मित्रों, आज 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ड्रग के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हमारी सभी एजेंसियों को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बार भी अखिल भारतीय स्तर पर नशा मुक्त पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। इस नीति का मुख्य स्तंभ है मोदी सरकार की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें अलग अलग विभागों के समन्वय से नीति और प्रभावी बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व के किसी और देश में जाने देंगे। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। इस अभियान को सशक्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने 2019 में एनकोड की स्थापना की एवं हर राज्य के पुलिस विभाग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन अप्रैल 2023 में हुआ। ड्रग के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मंच के माध्यम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006-13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो वहीं 2014-22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 22 में हमने जब्त किए ड्रग के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए विनिष्टीकरण अभियान चलाया, जिसमें अब तक देश भर में लगभग 6,00,000 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। चाहे ड्रग की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण अभियान चलाना हो, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और ड्रग मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं मोदी सरकार के ड्रग मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना योगदान देने वाली एनसीबी और अन्य संस्थाओं को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।